बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे एस स्टडी स्टेशन। मैं मिस अफशीन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7, 8, 9। 7, 8, 9 का सबक नंबर 1, हजरतुल विदा वालों खुतबो। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको भी बताऊँगी आपको, मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग। तो आप अपने सिंधी की बुक्स ओपन करें, उसके अलावा पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 है हमारा हजरतुल विदा वालों खुतबो। अच्छा, मैं आपके साथ साथ आपको रीड करती जाऊंगी और आप साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। हिजरी नए साल जे दुलहज महीने में हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन जी जमात सां आखिरी हज अदा कयो। यानी इसमें हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया, उन्होंने जब आखिरी अपना हज किया, उसको हजरतुल विदा कहते हैं। उसके अलावा उनके कब उन्होंने अदा किया अपना हज, उसके बारे में बताया गया। तो उन्होंने अदा किया हिजरी 10 साल, हिजरी 10 साल के जुलहज के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ अपना आखिरी हज अदा किया। मुनासिक जे अदायगी खां पोए पाण इरफात जे मैदान में दाची ते चढ़ी खुतबो ॾिनऊं। अच्छा, मुनासिक के हज की अदायगी के बाद आप ते इरफात के मैदान में दाची में ऊँटनी पे चढ़ के उन्होंने क्या किया, खुतबा दिया। चढ़ के यानि उस पर उसके ऊपर चढ़ के, ऊँटनी क्या होती है आपको पता है, दाची यानि ऊँटनी, ठीक है। इस तरह उसके पे बैठ के उन्होंने खुतबा दिया। यो खुतबो मिस्किनन बालिन जालिन यतीमन आए जे हकन जो खुलर बदर नाम हो। ये खुतबा जो है गरीब मिस्किन यतीम उनके हकों के बारे में खुलल पदर नामो यानि अनाउंसमेंट, पदर नामो यानि खुला ऐलान था, ठीक है। इन में पाँच सौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद जी इमारत ऐं कुरान जे दस्तूर के साथ सांधे रखण जी ताकीद फरमाई, ठीक है। तो इसमें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में जो जो बातें कही थी वो सब बताई गई हैं। उनमें पाँच सौ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तौहीद जे अमानत यानि अपने ईमान की अमानत सलामती को और कुरान जे दस्तूर कुरान के जो अहकामात हैं उनको अपने जान से भी ज़्यादा रखना और सीने से लगा के रखने की ताकि अदा फरमाई, यानि सांधे रखना, यानि सीने से लगा के रखना, अपने जान से ज़्यादा उसकी हिफाजत करना कुरान मजीद की, उसकी ताकीद फरमाई, ठीक है। अब हम सफ़ा नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर 2 पे फरमायो तक तो हमने पढ़ लिया। एक बे की जान लजन ए मिल्कियतन के एहतराम रखण की तलकीन कयाऊँ। अच्छा, एक दूसरे के जानो माल लजन जाने यानि जानो माल की मिल्कियत यानि जायदाद किया एहतराम करें और इनकी जायदाद का तलकीन इनकी हिफाजत करें। बारन सा शफकत और यतीमन सा मेहरबानी और मिसकिनन जी संभाल औरतन सा अदल और संदन हकन जी हरमत जी ताकीद फरमाई। यानि बच्चों के साथ शफकत, यतीमों के साथ मेहरबानी और मिसकिनों की संभाल, यानि जो गरीब मिसकिन होते हैं उनकी हिफाजत करना और उनको संभालना, औरतों सा अदल संदन हकन जी हरमत, औरतों के हक पूरे करें, अपनी माँ बहनों के हक पूरे करें, इसकी ताकीद फरमाई, ठीक है। ताकीद कयाम यानि ताकीद फरमाई। सदन खुतबे जो कई अहम गाली ई आए। अच्छा, खुतबे की सब अहम जो मेजर पॉइंट्स थे ये हैं, ठीक है। अजो के दी जहालत जे समूरन नस्मिन के पंहिंजे पैरन हेठां लताड़ियो थियो। अच्छा, आज के दिन में सारी जारी जहालत भरी रस्में जो हैं, जो हिंदुआना रस्में थी पहले जो चलती आई हैं, उनको सारे हिंदुआना जब हमारे जो जहालत के ज़माने से चलती आ रही थी रस्में, उनको पैरों हेठां लताड़ियो थियो, यानि पैरों के नीचे रोंगता हूँ। अच्छा, ये पैरन हेठां लताड़, ये आपके असलाहत में भी आएगा, तो इसको सिंधी टू सिंधी आपने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस्लाहात के लिए हमने फोल्डर में एक पेज आपको 30 इस्लाहात दे दी हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें। अल्लाह ताला अवां खां जालत जूं गुमराहियूं दूर कयूं ऐं नस्बी फ़ख्र ख़त्म करे छॾियूं।
चलेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपसे नस्बी, नस्बी यानी जो आपके ख़ानदानी मसाइल या फिर जहालत की जो पहले ख़ानदानी जो रस्में चलती आ रही थी, वो अल्लाह ताला ने आपसे दूर कर दी और नस्बी फ़ख्र ख़त्म करे चले। और नस्बी जो नस्बी फ़ख्र वगैरह जो नस्बी फ़ख्र वगैरह जो पहले जो आती थी चीज़ें, नहीं भाई ये ज़ात पात ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हुई। मोमिन इज़्ज़त वालों फाजिर जलील है। अच्छा, मोमिन इज़्ज़त वाला है और फाजिर जलील है, यानी मोमिन यानी ईमान रखने वाला, उसको कहते हैं मोमिन। ठीक है, वो इज़्ज़त वाला है और फाजिर जलील है। अरबी के अजमीत अरबी के का भी फजीलत ना का ना है, यानी अरबी के अजमी यानी गोरे पे काला काले पे गोला गोरा, किसी किसी पे किसी की फोकियत नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब इंसान आदम की आदम जो औलाद है, सब इंसान आदम जो औलाद है, यानी सब इंसान किसकी औलाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हज़रत आदम आदम के मिट्टी माँ पैदा कयो वयो हुयो। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ से, जैसे जाहिर सी बात है सब मुसलमान सब सब इंसान जैसे बने हैं मिट्टी से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उनको ज़मीन पे उतारा गया, मिट्टी से बनाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी माँ पैदा कयो वयो हो। हर को मुसलमान ये मुसलमान जो भाव है, यानी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सब मुसलमान एक बरादरी आए, सब मुसलमान एक बरादरी है। ये मुसलमान पांच गुलामन जो ख्याल रखो, ए मुसलमानों अपने गुलामों का ख्याल रखो, जे के अभी खाओ सो उन्हनि खे खारायो, जे के अवां पहिरियो सो सभी इन्हनि खे पहिरायो। अच्छा, जो अब इसमें लिखा है, ए मुसलमानों अपने गुलामों का ख्याल, यानी गुलाम कौन, पहले तो गुलाम करे जा पहले तो गुलाम रखे जाते थे, लेकिन अब तो खैर काफ़ी हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकल आए। तो यानी आपके घर पे जो अगर कोई काम वाला, कोई मासी, कोई भी जमादार, कुछ भी कोई भी आपके पास आता है, तो आप उनका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। जे के अभी खाओ, यानी जो आप खाएँ सो उन्हनि खे खाराओ, जो आप खाएंगे वो उनको खिलाएंगे। जे के अभी पहरियो, पहरियो यानि पहनना, कपड़े वगैरह जूते कपड़े जो भी आप पहनते हैं, तो वो जैसे आप पहनते हैं सवे इन्हनि खे पहिरायो, उनको पहनाइए। ठीक है, औरतें जे मामले में खुदावन ताला खां डिजंदा रहो, औरतों के मामलों में अल्लाह ताला से डरते रहे। औरतें ते अवां जा, इन्हनि जा अवां ते हक़ आहिनि। अच्छा, औरतों ते अवां जा, औरतों पे आपके आए, हुननि जा अवां ते हक़ आहिनि, यानि इन ते आपके हुकूक़ हैं। अवां जूं जायूं ऐं अवां जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम कया विया आहिनि था, जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहुं हिन शहर में खून ख़राबी हराम थियल आहे। अच्छा, अवां आपके आप लोगों पे आज के दिन माल अवां जा माल हिक ॿिए ते आपकी मालो मिल्कियत एक दूसरे पे हराम है, जिस तरह आज के दिन अजो के दिन यानी आज के दिन इस शहर में खून खराब हराम थैला है। खून खराब हो यानी खून खराबी खून रेजी हराम है। आऊँ अवां वट एक अड़ी शे छदे बनी रहो आया, यानी मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, जे करे इनके मजबूती सां झलंदा त कें भी गुमराही न थींदा, कदें भी गुमराह न थींदा, यानी कदें भी यानी कभी भी मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, जो अगर आप इसको इस पे ईमान रखेंगे, इसको मजबूती से थाम के रखेंगे, झले रखना यानी थाम के रखना, कदें भी गुमराह न थींदा, कोई भी गुमराह न थींदा। अच्छा, वो आए अल्लाह जो किताब, वो क्या है, अल्लाह जो किताब, यानी इसमें आपको मेजर पॉइंट बताए गए हैं और उसमें कहा गया है कि अल्लाह के किताब को आप मजबूती से थाम के रखेंगे तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ठीक है, तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर थ्री, कर्ज़ अदा कयो वने उधारी से वापस दी वने, यानी कर्ज जो आप किसी से कर्जा किसी से ले रहे हैं तो आप उसको अदा करें, आपको आप पे फर्ज है कि आप उसका कर्जा अदा करें, उधारी से वापस है। और अगर किसी से आप उधार से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो भी आप रेंट पे, जैसे आजकल सब बिजनेस चल रहा होता है, तो आप उसको वापस करें। जामिन कर्ज भरे यार लाए बदल आए। अच्छा, जामिन जो है जो आपकी ज़मानत देता है, अगर आप कर्ज़ा लेते हैं, कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़मानत लेता है, तो वो अगर आप नहीं उतार सकते तो वो आपका ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, खबरदार पता मुँह खां पोए गुमराह थी वनो, खबरदार यानी वो अगर खबरदार वो खबरदार कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ना हो कि मेरे बाद आप लोग गुमराह हो जाओ। एक बेजू सिसु लाइंदा रहो, यानी एक दूसरे को कत्ल गारत करते रहे, एक दूसरे को सिसु लाइंदा रहो यानी खून खराबा करते रहें। अवां के अल्लाह जो जलाल जे आदो हाजिर थियणो आहे, आपको अल्लाह के सामने पेश होना है। इहो अवां जे अमलनि बाबति अवां खां पुछाड़ो थींदो, यानी आपके अमल बाबति आपका
पूछताछ होगी, आपका जो जाहिर सी बात है आखिरत के दिन आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। दोहारी पांजे दोहो लाए खुद जिम्मेदार है, यानी दोहारे यानी गुनाहगार अपने अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है। पीर जे दो लाए पुट, पुट जे दो लाए पीर जिम्मेवार ना है। अच्छा, बाप के गुनाह के लिए बेटा और बेटे के गुनाह से बाप जिम्मेवार ना है। यानी अगर बेटा कोई गलती करता है या कोई गुनाह करता है तो इसका जिम्मेदार बाप नहीं ठहराया जाएगा, और बेटा अगर बाप कोई गुनाह करता है, कोई गलती करता है तो उसके जिम्मेदार बेटा नहीं ठहराया जाएगा। जे कदे को भी कारो ऐशीदी शख्स अवहां जो अमीर हो जे, अगर कोई काला बहुत ही जैसे होते हैं ना अफ्रीकन वगैरह लोग जैसे इस तरह होते हैं उसके बारे में कहा गया है, अगर कोई भी उनके बारे में नहीं मतलब इस तरह लोगों के लिए कहा गया है कि अगर कोई भी आपके काला या बहुत ही काला शख्स आपका कोई अमीर यानी आपके आपके जैसे वजीर आजम है सदर है वो बन जाए तो आपको उनका भी कहना मानना होगा। अवां के अल्लाह ताला जी किताब मुआफ़िक हलाए तो इन्हें जी अता तय फरमारी फरमा बरदारी कर। अगर वो आपको अल्लाह ताला के अहकाम पे चला रहा है और आपसे कह रहा है कि इसी इसी कुरान मजीद पे ही ईमान रखो तो आपको उसकी अताात करना है, ठीक है। तो अगर आपको सीधी राह पे चला रहा है तो आप उसको सीधी राह पे चलते रहें, उसके साथ चलते रहें, ठीक है। पांचे खालिक जी इबादत करो, अपने अल्लाह की इबादत करें। पंच वक्त नमाज पढ़ो, यानी पांच वक्त नमाज पढ़ें। माह रमज़ान जा रोज़ा रखो, रमज़ान के रोज़े रखो। दीनी अकमन जी अतात करो, अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल थी वनो। अच्छा, पांच बार रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, दीन अकामत को मानते रहें, अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसी तरह अगर आप सारे अल्लाह ताला के अहकाम मानते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके जन्नत के रास्ते खोल देगा। मज़हब में इंतहा पसंदी का वचन ना रहो, मज़हब में इंतहा पसंदी यानी जाहिलत रस्म रवाज और हिंदुआन रस्म रवाज से बचते रहें, यानी आपके मज़हब को कोई कुछ गलत ना बोले। आप अपने अहकाम जो आपको कुरान मजीद में बताए गए हैं आप उसी पर ही चलते रहें। छा कर अगियों कौमी इन्हें करे टोलियों टोलियों थी तबाह थी वन। इस वजह से लोग जो पहले के लोग थे गुमराह थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो पहले वाले जो कौमें थी वो नस्ब बर्बाद हो गई। खुद भी खा पाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछो त छा अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुचायो, छा मूं अवां ताईं, छा मूं अवां ताईं। अच्छा, खुतबे के बाद लोगों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मैंने आप लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया? मानन जवाब लेनो, हाँ ही अल्लाह ताला जा रसूल, ए अल्लाह ताला जा रसूल, अमा अल्लाह ताला जो पैगाम असा ताई पहुंचायो। यानी उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला के रसूल, आपने हमें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। यो जवाब बुद्धि पान फरमायो, अल्लाहुम्मा अशद, यानि ये जवाब सुन के हुजूर ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशद यानि ए मुझा मौला तू शाहिद थी जा, यानि ए मेरे मौला आप शाहिद रहिएगा, तू शाहिद थी जा यानि तो तुम शाहिद रहना। खुतबे जी पुछाड़ी में पांच सकुरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबनी मुसलमानन खुतबे की जो आखिरी जो थे उसके उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलविदा चयो, खुतबे के अलविदा चयो ऐं ताकीद फरमायूं त जेके शख्स हिते मौजूद आहिन से गैर मौजूद शख्स ताईं हिन पैगाम के पहुंचाए। यानी इसका मतलब ये है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है इस खुतबे में जो जो बातें कही गई हैं हर मुसलमान तक पहुंचाई जाए, मेरा पैगाम यानी दूसरे जो यहाँ मौजूद नहीं उन लोगों तक पहुँचाया जाए, ठीक है। ये आपका चैप्टर, यहाँ तक आपने चैप्टर समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आके आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको फोल्डर दिया जाएगा, फोल्डर में आपके आंसर्स होंगे, आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो आपने ये क्वेश्चंस उतारने। इसी तरह आपको खुलासा दिया जाएगा, चैप्टर का खुलासा आपने करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपको जुमले दिए जाएंगे अपने जुमले करने हैं, इस्लाहात के लिए आपको पेज दिया गया है वो आपने करना है, तो इसी तरह आपने कॉपी डाउन करना है, ठीक है काम। तो अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।